आयतुल्ला कोहिस्तानी वो हैं कि जो शाह अब्दुल अजीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, اللهم صل على محمد وعلى محمد तेहरान में जिनका रोज़ा है उनके रोज़े के अहाते में आयतुल्ला कोहिस्तानी की कब्र मुबारक। तो पहले तो एक बात बता दूं इनके मुतालिक कि इतने अजीम मुकाम पर फ़ाइज़ थे आयतुल्ला कोहिस्तानी। तालिब इल्मों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त बात इन्होंने बताई कि खुद इनके इज्तिहाद की गवाही आयतुल्ला नाइनी ने दी थी। बाकायदा आयतुल्ला नाइनी जो कि इजाज़ा इज्तिहाद देने में इंतहाई सख्त समझे जाते थे, खुद इनके इज्तिहाद की गवाही दी थी। और ख़ुद आयतुल्ला कोहिस्तानी इतने ज़्यादा मुतवाज़े थे, यानी इनकसारी इस हद तक ज़्यादा थी कि खुद कहते थे कि मेरी मालूमात एक देहाती आलिम दीन से ज़्यादा नहीं, गांव वगैरह के अंदर जो खिदमत अंजाम देते हैं, यानी कम अपने आप को इतना मुतवाज़े थे, जबकि इनके इज्तिहाद की गवाही आयतुल्ला नाइनी जैसे मर्जे ने दी थी। इन्होंने एक मदरसे की बुनियाद भी रखी थी कोहिस्तान में और अपनी बीवी से कहा था कि देखो, इनके मदरसे में तकरीबन 400 के करीब तालिब इल्म थे, कहा कि देखो तुम तालिब इल्मों की माँ बन जाओ, मैं इनका बाप बन जाता हूँ और हम दोनों माँ बाप मिलकर औलाद की तरबियत करना शुरू करते हैं। और बहुत बड़ा मदरसा, तकरीबन 400 तालिब इल्म उसके अंदर थे। एक आलिम ने बाकायदा आयतुल्ला कोहिस्तानी के मुतालिक बात इरशाद फरमाई थी कि आयतुल्ला कोहिस्तानी ने कोहिस्तान को भी नजफ बना दिया था। तो उन्होंने बाकायदा अपने एक मदरसे की दीवार पर, आज भी इनका जो मदरसा है उनकी दीवार के ऊपर एक जुमला लिखा हुआ है कि मन हर फाय बेहूदा रा कम तर अज गजाए हराम नमीदानम, मैं फजूल और बेहूदा और बेमकसद गुफ्तगू को हराम गजा से कमतर नहीं समझता, हराम गजा खाने से कमतर नहीं समझता। यानी जो हम आम सी बेहूदा किस्म की बेमकसद किस्म की बातें करते हैं, वो फरमाते थे कि इस कदर ये आपकी रूहानियत को ख़राब करने वाली चीज़ है और इस कदर ये जो फजूल और आम तौर पर जो बेमकसद किस्म की गुफ्तगू है कि तालिब इल्म को इस हद तक नुकसान पहुँचाती है कि उन्होंने बाकायदा अपने मदरसे की दीवार के ऊपर ये चीज़ लिख कर लगा दी थी कि इससे रूहानियत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है कम होते होते। हम आम तौर पर ये देखते हैं कि आम ख़वातीन तो इसके अंदर मुब्तला हैं ही, दीनदार ख़वातीन भी अच्छी खासी इस बीमारी के अंदर मुब्तला, बेमकसद और लायानी गुफ्तगू। वो फरमाते थे कि मैं माले हराम खाने से कमतर इसको नहीं समझता, माले हराम खाना इतने बुरे असरात रखता है, इतने बुरे असरात रखता है कि इसके बाद फिर कोई चीज़ उसके ऊपर असर नहीं करती। वो जो आप सुनती हैं ना कितना ज़्यादा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया था लश्कर यजीद से, कि मेरी बातें तुम पर इस वजह से असर नहीं कर रही हैं कि तुम्हारे पेट हराम चीज़ों से भरे हुए हैं। तो आप खुद सोचिए कि माले हराम एक ऐसी चीज़ है कि जो इतने बुरे असरात रखता है कि फिर इमाम हुसैन जैसा इमाम मासूम खड़ा होकर गुफ्तगू कर रहा हो और वो असर नहीं कर रही होती, तो फिर आप खुद सोचिए कि इतनी ज़्यादा। और वो फरमाते थे आयतुल्ला कोहिस्तानी के मैं इसको कमतर नहीं समझता, बिल्कुल बराबर की चीज़ है, ऐसे ही जैसे आप मुस्तकिल माले हराम खा रहे हो तो आप पर कोई चीज़ कभी असर नहीं करेगी, कोई नसीहत असर नहीं करेगी, कोई दीन की बात आप पर असर नहीं करेगी। जिस तरह से गुनाहों में मुब्तला हैं आप वैसे ही गुनाहों में मुब्तला रहेंगे, इल्म के अंदर कोई ख़ास मुकाम को हासिल नहीं कर सकते क्योंकि तालिब इल्म के लिए सब चीज़ें उसकी रूहानियत को ख़त्म करके रख देती, बेमकसद और लायानी गुफ्तगू। तो ये बहुत अहम बात है, इसको शुरू ही से आपको अपने पल्ले में बांध लेना है। बार बार ज़ाहिर चीज़ों की इस तरह से तकरार नहीं की जा सकती, आपको काफ़ी समझना है इस बात को कि ये चीज़ के इतनी अहम थी कि अपने मदरसे की दीवार पर उन्होंने लिख कर लगाई। अच्छा, अब देखिए कि जब इमाम हुसैन की बात असर नहीं कर रही तो फिर एक आम आलिम की, एक मुदर्रिस की बात लोगों पे किस तरह से असर कर सकती, और ख़ुद उसके ऊपर लोगों पे कोई असर नहीं होगा और ख़ुद उस मुदर्रिस के ऊपर वो खुद अगर इसके अंदर मुब्तला हो तो उसके अंदर भी कोई रूहानियत पैदा नहीं होगी।